देखिए, आज आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का एक तरीका है, जिस फ्रैक्शन को जिसके साथ डिवाइड करना है, जिस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है उसको वैसा लिख लिया जाता है, और जिसके साथ डिवाइड करना है उसको उल्टा लिखकर उससे गुणा कर दिया जाता है। जैसे देखिए, पहला सवाल है, तो 4/5 को 3/4 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? तो जैसे 4/5 है, तो 4/5 को 4/5 वैसे लिख लिया जाएगा, और उससे जिसके साथ गुणा करना डिवाइड करना है उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। जैसे 4/3, ये 3/4 था, 4/3 कर दिया, इसको वैसे का वैसे लिख लिया। तो अब इसकी गुणा करते हैं, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, तो 16/15 क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 1/5 को 4/3 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 1/5 को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, और उसके बाद अगर जो नेक्स्ट है जिसके साथ डिवाइड करना है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे मैंने उल्टा कर दिया है, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे। 1 × 3 = 3, तो 5 × 4 = 20। ठीक है ना। तो 3/20 इसका सही आंसर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या मिलेगा अगर 2/5 को 3/4 से भाग किया जाए? ठीक है ना। तो 2/5 को भाग करना है किसके साथ? 3/4 के साथ। तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। ठीक है। 5 × 3 = 15, 2 × 4 = 8, तो 8/15 इसका सही आंसर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, मोहन ने 8/9 केलों को दो लोगों को बांटा है, हर एक दोस्त के को कितना भाग मिलेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मोहन ने किसको, केलों को, ठीक है ना, 8/9 को भाग देना है। ठीक है ना। किसके बीच देना है? दो के बीच। तो देखिए, 8/9 को हम लोग 8/9 लिख लेंगे, और इसको डिवाइड करना है, 2 को 2/1 मानिए, तो अब हम लोग इसको 1/2 कर देंगे, 2 × 8, तो 4/9 सही उत्तर आ जाएगा। 4/9 लो, 4/9 के लिए उत्तर आ जाएगा सही। ठीक है। तो 4/9 के लिए इसका सही उत्तर है। उम्मीद है इस प्रकार के जो सवाल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा फिर मैं आपको बताता हूँ, जिस फ्रैक्शन को आपने भाग करना है उसको सेम लिख लेना है, और जिस फ्रैक्शन के साथ भाग करना है उसको उल्टा करके गुणा करना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, 4/3 है, इसको सेम लिखना है, और 1/5 के साथ क्या करना है, भाग करना है, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देना है। जैसे मैंने उल्टा कर दिया है, 1/5 था, 5/1 कर दिया है, अब 5 × 4 = 20, 3 × 1 = 3, तो 20/3 क्या है, इसका उत्तर आ गया है। इसी तरह आगे जो 6 सवाल आएंगे उनको आपने खुद करना है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे सवाल मैं खुद करूँगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आपको अगर कोई प्रॉफिट प्राप्त करना है तो आगे के सभी सवाल खुद करने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।